स्कीम वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दा हमें आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आशा वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लागू करो मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी हमें मैं उपदर्शित पंडित हूँ। अगर ये सवाल आशा वर्कर से पूछेंगे तो टीयू का लीडर हूँ मैं, और आज पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है स्कीम वर्कर्स यूनियन की तरफ से। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो स्कीम वर्कर्स की है उसकी समय हिमायत में जम्मू कश्मीर में जो यूनियन टेरिटरी है हर डिस्ट्रिक्ट में और कश्मीर के हर जिले में और हर जोन में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारी आशा वर्कर्स यूनियन में जो काम कर रहे हैं हमारी आशा वर्कर्स बहनें और हमारी बेटियां। मसला यही है कि जो आप पूरी तरह से जानते हैं, मैं पहले भी यही कह रहा था, जो स्कीमों में काम कर रहे हैं हमारी बहनें, इन पर जुल्म किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जालिम सरकार है, बीजेपी और आरएसएस की सरकार है। ये सिर्फ मतलब लेना चाहती है, ये सिर्फ लोगों को अत्याचार करना चाहती है। नौकरियां ये छीन रहे हैं लोगों से, ये दे नहीं रहे हैं। आपको जो पूरी वाकफियत होगी इस साल में यहाँ कश्मीर में कितनी नौकरियां छिन गई, कितनी से छिन गई नौकरियां, और इस पर सरकार क्या, कल ही एक प्रेस रिलीज आया था मशीर साहब की तरफ से, फारूक साहब की तरफ से, जो हम यहाँ मुलाजिमों को जो बरतरफ किया जा रहा है। सरकार का वादा था कि यहाँ के घर घर में एक नौकरी दी जाएगी, उसके बावजूद हर घर से एक आदमी को बरतरफ नौकरी से किया जा रहा है, जिसको हम कंडम करते हैं, जो अफसोसनाक वाकया है। और आज खासकर जहाँ तक स्कीम वर्करों का सवाल है, आशा वर्कर्स का सवाल है, जो आशा वर्कर सुबह से शाम तक काम करती है, जो आशा वर्कर डिपार्टमेंट से राबिते में है, सरकार के राबिते में है, सुबह 6 बजे निकलकर शाम 10 बजे तक काम करती है हमारी आशा वर्कर्स बहन, और इनको इंसेंटिव्स बराबर टाइम पर नहीं मिलते हैं, और वो भी अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं। हमारी डिमांड आज है कम से कम 20,000 रुपया से लेकर 25,000 रुपया तक इनका ऑनरेरियम आज मिनिमम वेज अफवाह ये ऐलान किया जाए।